नमस्ते दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार गार्गे शिक्षा लोक में आपका स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो फर्स्ट फेज प्लान है, यानी कि शिक्षा लोक टीम का जो फर्स्ट फेज प्लान है, जिसमें हम 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरी, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, इसको कवर करेंगे। और इसको ऐसे कवर करेंगे जो स्टैटिक पार्ट होता है, जो कभी बदलता नहीं है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करते हैं, ये पार्ट हम इसमें स्टैटिक जीके पार्ट में कवर करेंगे। हमारे वीडियोस की यूनिकनेस क्या है, देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो सीरीज में क्या यूनिक आपको मिलेगा, तो हमारे ये प्रेजेंटेशन फ्रेंडली, नोट्स फ्रेंडली रहेंगे। आप इसके प्रिंट जेरोक्स भी निकाल सकते हैं, हम आपको PDF भी अवेलेबल करवा देंगे इसका कमेंट में। और एक आखिरी जरूरी बात, क्योंकि हम YouTube चैनल के इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में हैं, इसलिए आपके समर्थन और प्रोत्साहन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेज हमने एक Facebook पे पेज भी बनाया है, वहां पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमें। और हमारा जो भी अपडेट रहेगा, हमारा जो भी प्लान रहेगा, वो हम शिक्षा लोक पे पोस्ट करेंगे। और एक बात याद रखिए दोस्तों, आपका एक राइट क्लिक हमें उन स्टूडेंट तक पहुंचने में मदद करता है जो कि ट्यूशन फीस का खर्चा नहीं उठा सकते। और इसे जितना हो सके, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलिए हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्किम। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, अदर्स, ये मैं हर स्लाइड में, हर प्रेजेंटेशन में यूज करने वाला हूं। और आपको एक बात बता दूं कि स्टैटिक जीके में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी से, जैसे कि हिस्ट्री, उसका लोकेशन, वो पार्ट मैं कवर करने वाला हूँ। हिस्ट्री में भी 2-3 पॉइंट ही कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और पॉलिटी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आर्टिकल अमेंडमेंट, ये टॉपिक, और ये एनवायरमेंट में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये अदर्स में ट्राइब्स, यूनेस्को साइट्स, डांस, ये वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, मतलब कि ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले, आपको नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के बारे में बताता हूं। देखिए, आपको दो, मैं आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको नोट्स में काम आएंगे। और आपको मैं स्टार्टिंग में पहले इंटरस्टेट काउंसिल क्या होता है, फिर जोनल काउंसिल क्या होता है, और अभी ये नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल ये किस में आता है। तो पहले मैं इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में आपको बताऊंगा। तो अंडर आर्टिकल 263, देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंडर आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल आता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये जो इंटरस्टेट काउंसिल होता है, ये परमानेंट नहीं होता। ये इसे जो बनाता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि इसकी जरूरत है पब्लिक डोमेन में, तो इसे बना दिया जाता है। तो 1990 में पहली बार प्रेसिडेंट ने इंटरस्टेट काउंसिल बनाया था, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जोनल काउंसिल के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। ये एडवाइजरी बॉडी है, जोनल काउंसिल के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, और ये इंडियन स्टेट्स को मिला के बनती है। देखिए, यूनियन टेरिटरीज, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये है नॉर्थ, ये है सेंट्रल, ये है ईस्टर्न, ये है साउदर्न, ये है वेस्टर्न। यहाँ पे जितने भी राज्य आते हैं, तो ये वाले रीजन में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। और ये वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न, ये भी एक जोनल काउंसिल है, काउंसिल ही है, लेकिन इनका टोटल नंबर होता है 6, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इनमें से जो 5 है, ये नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न,
ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा बनाई गई है। देखिए सबसे पहले ये पांच आए, ये पांच आई थी, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउदर्न, मेडर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका जो पार्ट थ्री है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट थ्री से इसे बनाया गया था, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो एक एक्ट के तहत बनाते हैं, जैसा कि ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो एक आर्टिकल के तहत बना देते हैं, जैसे कि 263, आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो सिक्किम है वो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है, और नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल का सबसे पहले कब क्रिएट किया था, वो 1971 में। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, एक असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये है सेवन सिस्टर, इसे सेवन सिस्टर कहते हैं, सेवन सिस्टर। अगर इसमें हम सिक्किम को जोड़ दे तो ये सिक्किम यहाँ पे है, अगर इसे जोड़ दे तो इसे एट सिस्टर भी कहा जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 2002 में, इसका जो अमेंडमेंट एक्ट था 2002 में, इसके द्वारा सिक्किम को ऐड किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्योग्राफी में लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लोकेशन आपको पता रहनी चाहिए। कभी कभार पूछ लेते हैं कि कौन से देश के नॉर्थ में कौन सा देश है, साउथ में कौन सा देश है। तो अगर आप मैप्स के द्वारा कोई भी चीज याद रखते हैं, लर्न करते हैं, तो वो बहुत आसानी से आपको याद रहती है। देखिए ये लोकेशन है सिक्किम का, इसके नॉर्थ में यानी कि उत्तर में है ये चाइना, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं इसे, और पूरब में है भूटान, और ये है पश्चिम में है नेपाल, यानी कि वेस्ट में है नेपाल, और नीचे यानी कि साउथ में है ये सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर 21-22 किलोमीटर का है, और ये कनेक्ट करता है पूरे नॉर्थ ईस्ट को। देखिए यानी कि सिक्किम का जो ये पार्ट है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे तीन देश है, तो ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके सिक्किम के साउथ में ये बांग्लादेश है, यहाँ पे ये पूरा थ्योरी दिया है मैंने नीचे आपको लिख के, आपको ये पढ़ लेना है एक बार। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी भी कहते हैं इसे, और इसे चिकन स्नेक कहा जाता है। ये सिक्किम जो है ये ईस्टर्न हिमालय में आता है। अगर आपको ज्योग्राफी पे स्पेशल स्टैटिक जीके का एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा। तो ये थ्योरी पढ़ लेना है आपको। तिब्बतियन प्लेटू में आता है ये चुंबी वैली। देखिए ये चुंबी वैली कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ, ये है चुंबी वैली, ये जो मैंने मार्क किया है राउंड, ये है चुंबी वैली, इसका डिटेल मैप मैं आगे बताऊंगा आपको। और किंगडम ऑफ भूटान इन ईस्ट, ये ईस्ट बताया मैंने, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट, ये यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, सिक्किम इज सेपरेटेड बाय संगलीला रेंजेस फ्रॉम नेपाल, ये सब स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर रहे हैं तो आपको ये सब बातें पता ही होनी चाहिए कि सिक्किम किस किस से कहाँ कहाँ से डिवाइड होता है, कहाँ कहाँ से ज्वाइन होता है, और इसमें संगलीला रेंजेस फ्रॉम नेपाल सेपरेटेड बाय एंड चोला रेंजेस फ्रॉम तिब्बत इन नॉर्थ ईस्ट एंड भूटान इन साउथ ईस्ट, रंगीत एंड रंगपो रिवर्स फ्रॉम द बॉर्डर्स विद द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि ये सिलीगुड़ी के पास का इलाका है ये। तो उसके बाद देखते हैं रिवर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिवर्स का। देखिए रिवर्स पे भी मैं एक स्टैटिक जीके का वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको सभी भारत के सभी रिवर सिस्टम की जानकारी मैं आपको दूंगा।
फिलहाल देखते हैं तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर देखिए ओरिजिन, रिवर्स के बारे में सभी एग्जाम में पूछते हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीएपीएफ, सभी सभी एग्जाम में सिविल सर्विस के। ये ओरिजिन कहाँ है इसका, तीस्ता रिवर का? यह पाउंड्री, ये एक ग्लेशियर है, इसे तीस्ता कांगसे ग्लेशियर भी कहा जाता है, और इसके पानी से जो लेक होता है इसे चोलामु गुरु डोंगमर लेक कहते हैं। लेक चोलामु और गुरु डोंगमर लेक, सिक्किम हिमालय का पार्ट है ये। तो फ्लोस कहाँ से होती है, सिक्किम कहाँ कहाँ से बहती है ये नदी? सिक्किम, वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया में है, और बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये जमुना से मिल जाती है तीस्ता रिवर। जमुना का ये ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है जमुना, ये बांग्लादेश में कहते हैं इसे। और आपको दो रिवर जो मैंने आपको बताई थी, रंगीत और रामपो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको याद रखनी है। रंगीत, ये रंगीत और ये रामपो रिवर, ये ट्रिब्यूटरीज है, एक लेफ्ट है। ये लेफ्ट और राइट आपने याद नहीं भी रखा तो भी चलता है, लेकिन आपको ये ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। अगर यूपीएससी में पूछेंगे तो लेफ्ट और राइट पूछ सकते हैं, लेकिन कोई निचले वाली एग्जाम्स है जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, जो भी छोटे स्तर की एग्जाम होती है उनमें ट्रिब्यूटरीज पूछते हैं, तो रंगीत रिवर, लापचुग रिवर, रानी खोला, रामपुर रिवर, ये ऐसे पूछते हैं। ज्वाइंस टू किसको ज्वाइन करती है, जमुना, ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश। चलिए इसका मैप देखते हैं आगे। ये मैप देखिए, ये है तीस्ता रिवर, यहां से तीस्ता कांगसे ग्लेशियर से ये निकलती है सिक्किम से, और ये सीधा जाके ब्रह्मपुत्रा को मिल जाती है, जहां पे इसका नाम, ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना है, इसको मिल जाती है। देखिए बांग्लादेश में दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है पद्मा और जमुना में। देखिए गंगा का ही दूसरा नाम जमुना है, ये बांग्लादेश में इसे, माफ कीजिएगा, गंगा का ही दूसरा नाम पद्मा है, और ये बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं इसे। और ये ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में आती है तो इसे जमुना कहते हैं। गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये इधर से आती है तिब्बत से, यारलुंग झांगबो, सांगपो रिवर। बहुत सारे नाम है ब्रह्मपुत्रा के, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है इसके, तो आपको ब्रह्मपुत्रा नदी को बहुत ही ज्यादा याद रखना है। ये कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश में आती है सबसे पहले भारत में, और ये सीधा जाके फिर असम से जाके बांग्लादेश में जाती है, जहाँ ये जमुना हो जाती है, फिर वो पद्मा को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है माउंट कांचनजंगा, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर सिक्किम के बारे में कुछ भी पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले ये माउंट कांचनजंगा, इसको ऐसे भी स्पेल करते हैं कांचनजंगा। ये दुनिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, लाइज पार्टली इन नेपाल एंड पार्टली इन सिक्किम। देखिए अभी आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि मैं अभी आपको एक लिस्ट बताने वाला हूँ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो शुरू करते, सबसे पहला जो है माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा चोमोलुंगमा भी कहते हैं, और इसकी हाइट है 8848 मीटर्स। देखिए इसको अगर फीट में कैलकुलेट करेंगे तो 29,029 फीट होता है इसका। और ये कौन से रेंजेस में आते हैं, ये भी पूछते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा डीप में पेपर रहा तो आपको ये भी पूछेंगे कौन से रेंजेस में आता है माउंट एवरेस्ट, तो महालंगूर हिमालय में आता है ये। और ये महालंगूर के जो हिमालय है ये नेपाल और चाइना में आते हैं, दोनों तरफ है, नेपाल और चाइना में है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद है केटू, केटू का दूसरा नाम है क्योगिर, उसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, केटू, क्योगिर, गॉडविन ऑस्टिन, एक ही है तीनों।
इसकी जो हाइट है 8611 मीटर, और फीट में कैलकुलेट करें तो 28251 फीट। इन द रेंजेस ऑफ बालटोरो काराकोरम, जो कि पाकिस्तान और चाइना में है, ये बालटोरो काराकोरम रेंजेस पाकिस्तान और चाइना में है, इसके अंदर K2 आता है। तो कांचनजंगा तीसरे नंबर पे है और इसकी हाइट यहाँ पे लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं। और ये कांचनजंगा हिमालय में आता है, ये सिक्किम में, इसे ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। तो चौथे नंबर पे है लोत्से मकालू महालंगूर, जो कि महालंगूर का पार्ट है। और पांचवें नंबर पे मकालू है, छठवें नंबर पे चो ओयू, CHOOYU, ये भी महालंगूर हिमालय का पार्ट है, जो कि नेपाल और चाइना में है। फिर से एक बार बताता हूँ, सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा और चोमोलुंगमा भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है K2, ओगिर गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं उसे। तीसरे नंबर पे है कांचनजंगा, चौथे नंबर पे है लोत्से, पांचवें नंबर पे है मकालू, छठवें नंबर पे है चो ओयू, जो कि महालंगूर हिमालय का पार्ट है। देखिए, ये मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे कुछ क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको रेडी रहना है कि एवरी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें एक पार्ट है जो जेमू ग्लेशियर है, ये आपको याद रखना है कि माउंट कांचनजंगा में सब बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये जेमू ग्लेशियर है, 31 किलोमीटर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट ही कवर किए हैं, जो कि आपको छोटे मोटे एग्जाम में काम आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बड़े एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अभी का जो करंट ये चालू है स्टेटस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो बहुत ही ज्यादा डीप हो गया है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, कंपटीशन बढ़ती जाएंगी, इसलिए बहुत ज्यादा डीप पढ़िए और रिपीट कीजिए। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, अगर आपको किसी भी चीज को याद रखना है तो आपको उसे बार बार दोहराना पड़ेगा, आपको उसे 4 बार 5 बार जितने बार हो सकता है उतने बार दोहराइए, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा उससे आप चकित हो जाएगी, क्योंकि वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए, हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री इज वाइडली एक्सेप्टेड ओरिजिन थ्योरी। देखिए, इसका जो ओरिजिन थ्योरी है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ओरिजिन थ्योरी देखते हैं सिक्किम का। देखिए, लिंबू वर्ड से बना है, टू लिंबू वर्ड से सिक्किम कैसे बना है, लिंबू क्या है? देखिए, लिंबू एक सिनो तिब्बतन लैंग्वेज है स्पोकन इन नेपाल, इंडिया, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग। इंडिया में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिक्किम, असम, नागालैंड और ये भूटान, फिर बर्मा यानी के म्यांमार, बर्मा यानी के म्यांमार, तो ये थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, कनाडा, यूएसए। देखते हैं लिंबू वर्ड कैसे बना है। ये सिक्किम, सु जिसका मतलब होता है न्यू, और ये खाइम मतलब प्लेस, हाउस, न्यू प्लेस, न्यू हाउस। नेम इज बिलीव टू बी रेफरेंस टू द प्लेस बिल्ड बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूलर। देखिए, अगर छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेंगे फर्स्ट रूलर, तो आपको ये नाम याद रखना है, फुनसोग नमग्याल, फाउंडर ऑफ सिक्किम, ये पहले रूलर। और लास्ट रूलर ये भी आपको याद रखना है, फाल्डेन थोंडप नमग्याल वॉज द 12th एंड लास्ट चोग्याल ऑफ द, देखिए भारत में एंट्री होने के अंत तक यही, मतलब यही थे, अंत होने के बाद इनका शासन चला गया, इनका मोनार्की चला गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हिस्ट्री में आपको सिक्किम के बारे में कुछ याद रखना है, वैसे अगर आपके डिमांड रहेंगे तो मैं स्पेशल हिस्ट्री पे लेक्चर बनाऊंगा। आपको मुझे कमेंट करना है, सजेस्ट करना है कि बनाइए, तभी मैं बनाऊंगा। देखिए, ये है रूमटेक मोनेस्ट्री,
इसको धर्म चक्र सेंटर भी कहते हैं, गोम्पा भी कहते हैं, और ये इंडियन स्टेट सिक्किम में है, और ये किसके पास है, गंगटोक के पास है, जो कि सिक्किम का कैपिटल है, राजधानी है। और ये 2000 का एक केस हुआ था जिसके कारण चाइना तिल बिला उठा था। तो ये उर्जिन ट्रिनले दौरजे, इनका नाम आपको याद रखना है, इनका करंट रिलेवेंस भी है। 2016 दिसंबर में इनको भारत सरकार ने परमिशन दी थी, कहाँ पे ये हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में परमिशन दी थी इनको आने की। तो उसके कारण चाइना और इंडिया के बीच कुछ तनातनी चल रही थी। तो ये कर्मापा है, 17th कर्मापा। देखिए, तिब्बतन बुद्धिज्म के चार स्कूल होते हैं, एक निंगमापा, काग्यू, साक्या, गेलुक। और ये जो उर्जिन ट्रिनले दौरजे है, ये कर्मा काग्यू यानी के काग्यू स्कूल के हेड है आपको। और इनको कौन चुनता है, ये दलाई लामा चुनते हैं इनको। देखिए, ये रूमटेक मोनेस्ट्री आ गए थे 2000 में वहां से। तो आपको बुद्धिज्म के बारे में अगर किसी भी, देखिए बुद्धिज्म पर हम बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये तुलकु का मतलब बताने वाला हूँ। तुलकु का मतलब क्या होता है, आपको ये सब पढ़ लेना है, क्योंकि मैं सभी आपको पढ़ के बताने वाला नहीं हूँ। ये तुलकु का मतलब बताने वाला हूँ। तुलकु का मतलब क्या होता है, कस्टोडियम ऑफ स्पेसिफिक लीनेज टीचिंग इन तिब्बतन बुद्धिज्म। देखिए ये क्या होता है, मतलब इसका मतलब एक होता है कि एक विशिष्ट वंशावली के संरक्षक। ये कर्मा काग्यू स्कूल जो कि ओरल ट्रेडिशन से ओरल ट्रेडिशन पे बिलीव करते हैं। आपको इसको डिटेल में अगर जानना है तो हमारा आने वाला वीडियो देख लीजिएगा बुद्धिज्म पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलिटी, पॉलिटी में ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, कहीं पे भी ये पूछते हैं, किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछते हैं। तो ये सिक्किम 22वां स्टेट बना था, इसका फॉर्मेशन डेट है ये नहीं है, हालांकि ऑफिशियल डेट ये है, इसको आपको याद रखना है। 16 मई 1975 ऑफिशियली बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, 22nd स्टेट हुआ था ये, 22nd। और इसके जो लास्ट हेड ऑफ स्टेट थे, मतलब कि चीफ मिनिस्टर, ये थे लेहंडब दौरजे लास्ट। और ये चोग्याल पोजीशन का अबॉलिशन हुआ था, जिसके कारण मोनार्की का एंड हो गया था। देखिए अब इसका आर्टिकल देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल डील करता है इसके साथ। तो 371F, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। देखिए ये आपको ऑप्शन में दे सकते हैं या फिर मैच द पेयर में दे सकते हैं, एक साइड में स्टेट रहेंगे, एक साइड में ये आर्टिकल रहेंगे, और फिर आपको मैच करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कौन से स्टेट के लिए है। तो ये इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में 10th शेड्यूल तो जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है। तो ये स्टार्टिंग में ये था 35th अमेंडमेंट जो हुआ था 1974 में, इसके बाद सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था इंडियन यूनियन में, और इसका प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस निकाल दिया गया था, टर्मिनेटेड। 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया था सिक्किम को, और फिर उसके अगले साल 1975 में 36th अमेंडमेंट हुई थी, और सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट घोषित कर दिया गया था। और ये जो 10th शेड्यूल बनाया था सिक्किम के लिए, ये डिलीट यानी कि ओमिट कर दिया गया था। तो अभी आपको मैं 10th शेड्यूल के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। देखिए 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अभी करंट में
वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है जो कि 1985 में हुआ था, और उसका जो अमेंडमेंट है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 52nd अमेंडमेंट, ये कहीं पे लिख लीजिए, 52nd अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल जो रिलेट करते हैं 10th शेड्यूल से, अभी के 10th शेड्यूल से, वो है 102 सब क्लॉज 2, 191 सब क्लॉज 2। देखिए इसके बाद है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आता है, लेजिस्लेचर मतलब यहाँ पे क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद है, कौन सा मंडल है, तो यहाँ पे है यूनिकैमरल, मतलब कि यहाँ पे एक ही भवन है, एक मंडल है, एक कौन सा, विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके सीट्स जो है 32 सीट्स है। ये आपको नहीं पूछेंगे, आपको अगर पूछ भी लिया तो ये लेजिस्लेचर का पूछेंगे। यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल होता है और बायकैमरल होता है, तो भारत में ऐसे 7 स्टेट है जिसमें बायकैमरल लेजिस्लेचर है। वो कौन कौन से हैं, वो है तेलंगाना जी, देखिए इसका एक शॉर्टकट है ताचकुंड, TAJKUMB। देखिए टी का मतलब होता है तेलंगाना, ए का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, जे का मतलब जम्मू कश्मीर, और के का मतलब कर्नाटका, यू का मतलब उत्तर प्रदेश, एम का मतलब मध्य प्रदेश, और ये बिहार के लिए है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे है बायकैमरल, मतलब यहाँ पे दोनों है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो है यम, यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। और ये जो ताजकुंभ आपको मैंने ट्रिक बताई है, ये यहाँ पे है विधान परिषद और विधान सभा, ये दोनों है यहाँ पे, और इतने ही राज्यों में ये बाय कैमरल है, बाकी सब में यूनी कैमरल है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि भारतीय संसद में इस राज्य से कितने जन जाते हैं, तो राज्यसभा के लिए जाते हैं एक जन, लोकसभा के लिए जाते हैं एक जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये सिक्किम आता है, ये आता है सिक्किम हाई कोर्ट अधिकार क्षेत्र में। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, इसमें है 4 डिस्ट्रिक्ट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस मैप में, ये है नॉर्थ सिक्किम, ये है साउथ सिक्किम, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। ईस्ट सिक्किम में कैपिटल आता है सिक्किम का गंगटोक, इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी गंगटोक ही है। तो अभी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो कि चीफ मिनिस्टर के बारे में है, पवन चामलिंग के बारे में। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये जो पवन चामलिंग है जो कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से, और इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। किस चीज का रिकॉर्ड, ये इलेक्शन जीत रहे हैं कंटिन्यूअसली। देखिए अभी जो रिकॉर्ड है वो है ज्योति बसु के नाम पे, जिन्होंने 1977 से 2000 तक कंटिन्यूअसली इलेक्शन जीते हैं और चीफ मिनिस्टर बने हैं कंटिन्यूअसली। तो इनका रिकॉर्ड ये पवन चामलिंग तोड़ने वाले हैं, कब तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे 2018, शायद अप्रैल में हो जाएगा वो, और ये बन जाएंगे लार्जेस्ट सर्विंग सीएम एवर। और 1994 से ये जीत रहे हैं पवन चामलिंग, यहाँ पे अभी भी पवन चामलिंग ही है यहाँ पे, और ये किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, ज्योति बसु का। चलिए अभी ये करंट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और चाइना में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है सिक्किम, देखिए ये पहले नथुला देख लेते हैं। नथुला जो है वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, द शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश, लेफू लेक, देखिए
तीन ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर है जो जहाँ से सामान की आवाजाही होती है इंडिया और चाइना के बीच। एक है ये नथुला जो कि सिक्किम के पास है, और ये एक दूसरा है शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश। तीसरा है लेपू लेक, जो कि इसे लेपू लेक भी कहा जाता है, जो कि ट्राई सेक्शन पॉइंट है उत्तराखंड में, इन नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में आता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये नथुला, और फिर देखते हैं ये डोकलाम। ये डोकलाम का अभी अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रहा था यहाँ पे। यहाँ पे चाइना एक सड़क बनाना चाहती है लेकिन भारत इसे नहीं बनाने दे रही है। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो टोटल अग्रेसिव पॉलिसी है, वो किसी की नहीं सुनता और कभी सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी वो स्टेट पॉलिसी है। तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता होगा, ये ट्राई जंक्शन यानी कि भूटान इंडिया चाइना के जस्ट पॉइंट पे, यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये। तो ये और ये डोकलाम जो प्लेटू है इसको पीसफुल रखने के लिए बहुत सारे ट्रीटीज हो चुके हैं, लेकिन चाइना किसी को भी नहीं मान रहा। एक जो ट्रीटी हुई थी 1890 में, जो कि साइन हुई थी ब्रिटिश कमिश्नर ए डब्ल्यू पॉल एंड चाइनीज कमिश्नर हो चांग जुंग, और ये किसके लिए हुई थी? ये हुई थी फॉर ट्रेड रिलेशन बाउंड्री अलोंग विथ चुंबी वैली। देखिए चुंबी वैली बताता हूँ आपको कहाँ पे, ये है चुंबी वैली। अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि चुंबी वैली कहाँ पे, तो ये तिब्बत में है और सिक्किम और भूटान के बीच में, सिक्किम और भूटान के बीच में, तिब्बत यानी कि चाइना। देखिए ये इस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सिलीगुड़ी, ये है कलिमपोंग। आपको ये नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि ये नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कलिमपोंग कहाँ पे है, ये दार्जिलिंग कहाँ पे है, ये सिलीगुड़ी कहाँ पे आता है, ऐसे आपको ये सभी पता होना चाहिए। इसलिए आप मैप का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट, और अक्सर हमेशा पूछ लेते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज का खतरा भी बहुत बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम स्टार्टिंग में देखेंगे नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको आपको याद रखना ही है। अगर सिक्किम में आपको कुछ याद रखना है तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क याद रखना है। इसका नोटिफिकेशन ईयर और टोटल एरिया याद नहीं रखा तो भी चलता है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी याद रखना है। कौन सी जानकारी? तो ये फर्स्ट एंड ओनली मिक्स साइट इन इंडिया। देखिए दो कब जुलाई 2016 में तीन साइट लिस्टेड की थी यूनेस्को ने, एक तो नालंदा जो कि बिहार में है, दूसरी कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जो कि चंडीगढ़ में है, ये कैपिटल बिल्डिंग ली कॉर्बूजियर का आर्किटेक्चर है, और तीसरी जो है ये नाला, ये अपना कंचनजंगा है। तो ये एक मिक्स साइट है। देखिए तीन साइट होती है, एक कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स। और इंडिया में कितने हैं? देखिए ये सब लिख लीजिए, आपको अगर कुछ छूट गया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से रिवाइंड करके लिख लीजिए। देखिए 36 साइट्स है इंडिया में, 28 कल्चरल है उसमें से, और 7 नेचुरल है, एक मिक्स्ड है। 36 यूनेस्को साइट इंडिया में है और उसमें से 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स है, मिक्स वाली ये कंचनजंगा है। देखिए इसे मिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल भी सिग्निफिकेंस है और यहाँ पे रिलीजियन भी फॉलो करते हैं, ये बुद्धिज्म फॉलो होता है यहाँ पे। तो भारत की जो पहले दो साइट्स थी जो कि यूनेस्को ने लिस्ट की थी वो 1983 में की थी, और आगरा फोर्ट और अजंता केव, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि वेरी फर्स्ट टू साइट्स ऑफ विच वॉज लिस्टेड बाई दी यूनेस्को ऑफ इंडिया, ये आगरा फोर्ट एंड अजंता केव। और यूनेस्को के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशंस और एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 में, और ये एक यूएन एजेंसी है, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। हाँ, इसके जो मेंबर स्टेट है वो 195 मेंबर स्टेट है, और ये हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरिस फ्रांस, यूनेस्को का हेडक्वार्टर। अभी जो इसका डायरेक्टर जनरल है वो है इरीना बोकोवा। देखिए यहाँ पे कांचनजुंगा नेशनल पार्क में एक लेपचा ट्राइब भी मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है सिक्किम की, और ये इंडिजिनियस ट्राइब है। यहाँ इसका जो 25% है सिक्किम का, ये टोटल कवर है कांचनजुंगा से। और देयर आर मेनी ग्लेशियर इंक्लूडिंग द जेमू, देखिए ये जेमू ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको बताया था, 31 किलोमीटर लॉन्ग बड़ा ग्लेशियर है वहां पे। तो इसमें कौन से जानवर, माफ कीजिएगा, जानवर आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक मस्क डियर है, एक स्नो लेफर्ड है, एक हिमालयन तहार। देखिए ये पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये मस्क डियर और स्नो लेफर्ड भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेशनल पार्क की बात कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको करंट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। अभी आप यहाँ पे ये पूरा पढ़ लीजिए, और जिस जहाँ जहाँ आप करंट पढ़ रहे हैं उसमें अगर इसमें से कुछ आ गए तो उसको याद रखिए, क्योंकि उस साल वो पूछने के चांसेस होते हैं। तो बार से रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फैंगबोलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खीतम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, खीतम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगबा रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अदर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्राइब्स, और ट्राइब्स में ये शुरू करते हैं। मैं मेरे सारे वीडियोस में ये टॉपिक रहेंगे जो अदर्स में आज आपको दिख रहे हैं, हालांकि कई कई राज्यों में इससे ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे कि रामसर साइट जहां पे होगा। रामसर साइट अगर पता नहीं होगा आपको तो मेरे आने वाले वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। ये लेपचा ट्राइब है, ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है सिक्किम की। और उसके बाद है भूटियास, ये भूटियास जो है वो तिब्बत के ओरिजिनल है, और ओरिजिन है इनका वहां का, और ये 15 सेंचुरी में वहां से यहाँ माइग्रेट हुए थे, स्थलांतरित हुए थे। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सिक्किमीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भूटियाज आपको याद रखना है कि ये सिक्किम की ट्राइब है। देखिए और इसके बाद आता है नेपालीज, देखिए ये जो नेपालीज है ये सिक्किम में लेपचाज और भूटियाज के बाद आए हैं, लेकिन अब इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हो गया है, अब ये डोमिनेट करने लगे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो दिख रहे हैं भूटियाज लेपचाज, ये आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ये इनके ट्रेडिशनल पोशाक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए स्टेट एनिमल्स में अगर आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर रहे हैं तो आपको ये पूछ सकते हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ये पूछ सकते हैं, क्योंकि करंटली अगर इसके बारे में कुछ हो गया, जैसे कि रेड पांडा एक्सटेंशन लिस्ट में आ गया, तो पूछ सकते हैं कि रेड पांडा कौन से स्टेट का स्टेट सिंबल है, तो ये सिक्किम का है। ऐसे मैच द पेयर में भी आ सकता है, एक साइड में एनिमल, एक साइड में बर्ड, एक साइड में स्टेट्स, और उसको मैच कीजिए। तो ये जो है रेड कलर में, ये है साइंटिफिक नेम, ये आपको याद नहीं भी रखे तो भी चलता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप में अगर पेपर आया तो ही ये पूछ सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछ सकते। ये रेड पांडा, ये है रेड पांडा, ब्लड पीजेंट, ये है ब्लड पीजेंट, रेड पांडा एनिमल है, ब्लड पीजेंट बर्ड है। तो फ्लावर है नोबल डेंड्रोबियम, डेंड्रोबियम नोबाइल, ये साइंटिफिक नेम है, नोबाइल ऑर्चिड भी कहते हैं इसे। और ये ट्री है,
रोडोडेंड्रॉन, इसका नाम आपने सुना होगा, वो पिछले वाले स्लाइड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। तो ये ट्री है, ये फ्लावर है, नोबल डेंड्रोबियम फ्लावर, नोबल ऑर्चिड कहते हैं इसे, ये वायलेट कलर का। और ये जो फूल दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, इसमें इसको रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। अभी फेस्टिवल देख लेते हैं। फेस्टिवल में लोसुंग आपको जो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल, इसको भी पूछ लेते हैं कौन से राज्य का कौन सा फेस्टिवल है। तो ये है लोसुंग फेस्टिवल है, ये याद रखना है आपको। ये सागा दवा फेस्टिवल है, ये भी याद रखना है आपको। लोसुंग जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल है। लोसार फेस्टिवल के बारे में मैंने मेरे आने वाले वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे बताया, ये यहाँ पे भी होता है लोसार फेस्टिवल सिक्किम में, लेकिन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये लोसुंग और मेघे संक्रांति और ये सागा दवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप देखिए आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप हमें हमारे पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षा लोक, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और आप को जो भी वीडियो चाहिए उसे उसे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।